चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ। क्या रिवाइज करा देता हूँ? तो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास था, इलस्ट्रेशन नंबर था ना, इलस्ट्रेशन 16, इसमें ये वाला पहले आप लोग करके आइएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 16, फिर वो वाला बन जाएगा, ठीक है सम्स। इसका एक बार यहाँ पे रिवाइज करा दो कि डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल क्या क्या था। तो सबसे पहले हम लोग के पास रॉयल्टी अगर हम लोग पे करते तो वो क्या था कि डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल था। हायर चार्जेज अगर स्पेसिफिक इक्विपमेंट को लाने के लिए अगर हायर चार्जेज होता था स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो वो हम लोग के पास कहाँ पे होता था, तो वो होता था डायरेक्ट एक्सपेंस होता था। फिर हम लोग के पास डिज़ाइन या ड्राइंग करने के लिए अगर स्पेसिफिक चार्ज होता था किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम लोग के पास आता था डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का कॉस्ट हो या कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन या प्रोविजन ऑफ सर्विस से रिलेटेड जो कोई भी एक्सपेंस होगा, तो उसे हम लोग कहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस पे कंसीडर करेंगे। तो ये तो हम लोग के पास एग्जांपल हो गया। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग इसे रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे ये कौन सा एक्सपेंस दे रखा हुआ है, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वेयर इनकर्ड इन आदित्य लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 23। तो हम लोग के पास मार्च 23 का डेटा दे रखा हुआ है। इसमें क्या बोला कि पेड फॉर द पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला कि पावर फ्यूल के लिए इतना पेमेंट किया गया, ठीक है। तो इसे हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। ये हो सकता है या तो ऑफिस सॉरी ये या तो हो सकता है फैक्ट्री वाला, या तो हो सकता है फैक्ट्री एक्सपेंस, या तो हम लोग के पास क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस। इसे हम लोग बाद में कंसिडर करते हैं, एक बार नीचे वाला पढ़ लेते हैं उसके बाद। अब क्या बोला, वेजेस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर। तो अगर हम लोग फैक्ट्री वर्कर को वेजेस पे करते हैं, तो इसे हम लोग कहाँ पे कंसीडर कर देते, इसे हम लोग कंसीडर करते थे जो हम लोग के पास दे रखा होता ना, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। क्योंकि ये कहाँ पे लग रहा है, तो फैक्ट्री वर्कर में लग रहा है, तो वर्कर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस पेमेंट कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिकली काम कर रहा है ना, डायरेक्ट एम्प्लॉय जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये हम लोग के पास हो गया। फिर बिल पे टू द जॉब वर्कर, तो जॉब वर्कर को हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रॉयल्टी पे कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। फिर हम लोग के पास फीस फॉर टेक्निकल सर्विस हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। फिर हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, तो ये तो एडमिन एक्सपेंस हो गया, एडमिन एक्सपेंस हम लोग के पास हो गया। फिर कमीशन पे टू द सेल्स स्टाफ, तो ये हम लोग के पास कौन सा में जाएगा, हेडिंग में, तो यहाँ पर जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के हेडिंग में जाएगा। देखिए सेल्स स्टाफ को पेमेंट किया जा रहा है ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में चला गया। फिर हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पेमेंट कर रहा, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चला जाएगा। फिर वेजेस पे किया गया था कहाँ पे, फैक्ट्री वर्कर को, तो यहाँ पे ये कहाँ पे चला जाएगा, तो ये चला जाएगा डायरेक्ट कहाँ पे, तो ये जाएगा डायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग को कंसिडर नहीं करना, इसे हम लोग को कंसिडर नहीं करना, और इसे हम लोग को कंसिडर नहीं करना, और जो बचा हुआ है उसे हम लोग को कंसिडर करना है कि नहीं, वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे क्या बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डायरेक्ट एक्सपेंस, हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस निकालना है, तो सिंपली आ जाइए आंसर में, दिखा देता हूँ आप लोग को। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो नोट में आप लोग को लिखना था, नोट एकदम नेसेसरी होता है कि आप लोग को लिखना ही है एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है। नहीं तो अगर पाँच मार्क्स का रहेगा तो चार मार्क्स तीन मार्क्स ऐसे करके दे देगा, अगर नोट्स लिख करके आओगे तो फुल टू फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या बोला था कि पेड टू द पावर एंड फ्यूल, तो यहाँ पे पावर एंड फ्यूल के लिए पेमेंट किया जा रहा है। सम्स में स्पेसिफिकली नहीं बोला कि फैक्ट्री का यहाँ पे पावर एंड फ्यूल है कि बाकी चीज़ का है, तो हम लोग इसे क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग नीचे निकालें डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसे हम लोग क्या करेंगे कंसीडर, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस जो है कंसीडर करेंगे और लिख देंगे कि ये स्पेसिफिक जॉब के लिए यहाँ पे पावर एंड फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। इस ये लिखने के बाद नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, और उसके बाद हम लोग इसे कहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो इसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस पे कंसीडर कर लेंगे। तो ये हम लोग के पास डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में हो गया पहला वाला आइटम। फिर जो दूसरा वाला आइटम हम लोग के पास दे रखा हुआ था, इसे तो हम लोग को कंसीडर नहीं करना था, तो दूसरा वाला आइटम, क्योंकि ये कहाँ पे था, तो ये हम लोग के पास जो पार्ट बनता था किस चीज़ का, तो इम्प्लॉई कॉस्ट का पार्ट बनता था, जिसे हम लोग क्या कर देंगे, इसे नोट्स में लिख देंगे। तो वेजेस पेड फॉर द फैक्ट्री वर्कर इज डायरेक्ट इम्प्लॉई कॉस्ट, तो इसे हम लोग को क्या कर देना, इस तरह से नोट में लिख देना। अगला जो हम लोग के पास है वो क्या है, बिल पे टू द जॉब वर्कर, तो जॉब वर्कर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो जॉब वर्कर को हम लोग कब पेमेंट करते हैं, जॉब वर्कर का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो हैं छोटा मोटा काम जो है ना किसी और को दे दी कि वो काम करके दे देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास जो काम आया वो काम कोई और करके दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही काम होगा ना, दूसरा काम तो होगा नहीं, तो वो उसके लिए हम लोग बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, मतलब इसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, तो इसे कंसीडर करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये भी हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, कि जो भी बिल पेमेंट किया है किसे, तो यहाँ पे जॉब वर्कर को। फिर रॉयल्टी का तो हम लोग के पास स्पेसिफिकली एग्जांपल में दे रखा होता है, तो रॉयल्टी हम लोग के पास क्या जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग फीस पेमेंट कर रहे हैं किस चीज़ का, टेक्निकल हायर फॉर द जॉब, मतलब स्पेसिफिक जॉब के लिए बोल दिया कि हम लोग उसको टेक्नीशियन को हम लोग फीस पेमेंट कर रहे हैं स्पेसिफिक जॉब के लिए, मतलब स्पेसिफिक
प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग के पास कॉस्ट हो गया तो इसे भी हम लोग को कंसीडर करना है, तो 96,000 हम लोग क्या कर देंगे, कंसीडर कर देंगे। और फिर जो हम लोग के पास नीचे बचा वो क्या बचा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो हम लोग लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो होता है ना वो एडमिन ओवरहेड में जाता है। और जो नीचे हम लोग के पास था कमीशन पे टू द सेल्स स्टाफ, ये कहाँ पे जाएगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, तो जिसे हम लोग को यहाँ पे नोट्स में लिख देना है। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे जाता है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस में। फिर हम लोग के पास क्या है, कमीशन पेड होता है ये, तो ये कहाँ जाएगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है और इसे टोटल कर देना है, तो ये आ सकता है 4-5 मार्क्स या एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।